आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू ने एक नई सीरीज को शुरू किया है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश रोजगार समाचार। इस सीरीज का पहला वीडियो हम पिछले कल पब्लिश कर दिए थे जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आने के वजह से हम इस सीरीज को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कल जो हम वीडियो आपके लिए लाए थे उस वीडियो में हम जो पद पहले से जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उनकी वीडियोज़ कल हम आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन जो आज की वीडियो है और जो आज के बाद वीडियोज़ आएंगी उनमें प्रतिदिन जितने भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज होंगे हिमाचल प्रदेश में उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वीडियोस को कि आज कौन कौन से पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट हिमाचल प्रदेश में रिलीज हुए हैं। और एक और बात, ये जो वीडियो है रोजगार समाचार है ये सरकारी और प्राइवेट दोनों पदों के लिए हम इसको ला रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला रोजगार समाचार आपके सामने यहाँ पर है, आईटीआई में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार कल होंगे, मतलब कि 23 जनवरी 2019 को कल साक्षात्कार होंगे आईटीआई में। तो कौन कहां पर ये आईटीआई है, तो ये है नालागढ़ सोलन में। 18 साल से लेकर 23 साल के 10वीं में 50% और आईटीआई में 60% अंक हासिल करने वालों के लिए नौकरी का कल सुनहरा मौका है। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है और आपके मैट्रिक में 50% है और आपके आईटीआई में 60% है तो आप कल आईटीआई सोलन नालागढ़ में इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जिन्होंने पब्लिश किया है, विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार होंगे जिसमें कि मारुति सुजुकी मोटर्स फिटर्स डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर इलेक्ट्रीशियन टूल ड्राई मेकर प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर सीईओ ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर मैकेनिक पेंटर जनरल के पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें कि कंपनी रोजगार मिलने वाले अभ्यर्थियों को 16,200 रुपये प्रति माह देगी। तो इसके लिए आप कल पहुँच जाए आईटीआई नालागढ़ में तो यहाँ पर आपके इन पदों के लिए रोजगार आपको मुहैया हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 16,200 रुपये। एज क्राइटेरिया इन्होंने कहा है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में, मैट्रिक में 50% आईटीआई में 60% एंड आपको कल सुबह 9 बजे पहुँचना है। एंड साथ में आपके लिए यहाँ पर 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड या पैन कार्ड और साथ में आपने साक्षात्कार के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर आने हैं जो कि आपकी योग्यता को सिद्ध करते हैं। बात करते हैं दूसरे रोजगार न्यूज़ की। तो दूसरा रोजगार न्यूज़ यहाँ पर फिर से प्राइवेट सेक्टर से है। तो यहाँ पर है एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। जी हाँ, एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर भोटा रोड दोशरका हमीरपुर। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, रिक्वायर्ड स्टाफ फॉर द फॉलोइंग पोस्ट पीजीटी। यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। बात करते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस हिंदी साथ में यहाँ पर टैट इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड आईपी, मतलब कि आपके पास टैट क्वालिफाइड होना चाहिए टीजीटी जो भी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है इन्होंने। बात करते हैं जेबीटी के लिए, तो एलकेजी एंड यूकेजी एंड फर्स्ट टू फिफ्थ ओनली डीईएलडी जेबीटी एनटीटी। सी एंड वी के लिए बात करें तो यहाँ पे शास्त्री ड्राइंग टीचर एंड पीईटी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। ड्राइवर की बात की जाए तो यहाँ पे ड्राइवर एंड केयर टेकर्स की भी रिक्रूटमेंट होने वाली, जिसमें कि 10th पास आपके पास होना चाहिए एंड आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर प्यून आया एंड सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी भी है, तो आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए प्यून के लिए भी, आया के लिए भी एंड सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 10 दिन के अंदर अपना जो भी आपका सीवी है, कुछ भी इंटरव्यू मैनेजमेंट सर्विस जो कुछ भी आपके पास इन यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने इन एड्रेस पे आपने फिल करके भेजना है, जैसे कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट है एंड ईमेल आईडी है, या आप इस स्कूल में बाय हैंड भी अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट रोजगार समाचार की। ड्राइवर एंड चौकीदार की नौकरी के लिए करें आवेदन। जी हाँ, ये सरकारी नौकरी है। मंडी जिला के उपमंडल नागरिक गोहर के नए विकासखंड बालीचौकी में चालक का एक पद अनुबंध आधार पर भरा जा रहा है जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित है। एक पद सेवादार एक पद चौकीदार का दैनिक वेतन भोगी आधार पर भरा जा रहा है, मतलब कुल मिला के 3 पद यहां पर भरे जा रहे हैं जो कि अनारक्षित हैं। प्रार्थी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विकासखंड अधिकारी बालीचौकी
चेतराम ने कहा कि आवेदक 31 जनवरी शाम 5 बजे तक अपना आवेदन उपमंडल नागरिक गोहर कार्यालय में सादे कागज में जमा करे, उसके बाद आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। चालक पद के लिए लिखित परीक्षा 7 फरवरी 2019 को 10 बजे सुबह उपमंडल नागरिक कार्यालय गोहर में होगी। समस्त रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार 11 फरवरी को उपमंडल नागरिक कार्यालय गोहर में होंगे। सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को साथ लानी होगी। तो ये थी चौकीदार, सेवादार एंड ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल योलकैन टीपी सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है, जिसमें कि आपके TGT की इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, फिजिक्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट उन्होंने जारी किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया हुआ है। और PRT के लिए 6 पोस्ट हैं एंड असिस्टेंट PRT के लिए 2 पोस्ट हैं। तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल एट स्कूल ऑफिस वेबसाइट, वेबसाइट इन्होंने ऊपर देख के रखी हुई है आपके लिए। तो और साथ में इन पदों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए होंगी तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पे विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की, तो ये है GD गोयनका पब्लिक स्कूल धर्मशाला। इन्होंने TGT, PRT, नर्सरी, असिस्टेंट टीचर, IT टीचर, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस, ड्रामेटिक्स, स्पोर्ट्स कोच, PA2 प्रिंसिपल के पदों के लिए आपसे आवेदन मांगा है, जिसमें कि TGT के लिए ऑल सब्जेक्ट विद BEd विद पोस्ट ग्रेजुएट एंड हायर क्वालिफिकेशन, PRT कैंडिडेट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद BEd, नर्सरी के लिए ग्रेजुएट मॉनिटरी ट्रेनिंग और NTT BEd, असिस्टेंट टीचर्स के लिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग टू असिस्ट क्लास टीचर्स इन नर्सरी एंड KG, IT टीचर्स के लिए MCA, PGDCA, काउंसलर के लिए MA साइकोलॉजी, उसका स्पेशल एजुकेटर के लिए BEd, MEd स्पेशल एजुकेशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए MFA, BFA, म्यूजिक डांस के डिग्री डिप्लोमा इन इंडियन वेस्टर्न्स, ड्रामेटिक के लिए NS ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स कोचेस के लिए BPEd, MPEd, INIS, SAI स्विमिंग, PA2 प्रिंसिपल ग्रेजुएट विद रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो दिए नंबर पे और साथ में यहाँ पे ईमेल आईडीज एंड वेबसाइट्स पर आप खुद जाकर भी अपना CV वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन कोटे से चंबा में भरे जाएंगे JBT के 16 पद। जी हाँ, चंबा में एक्स सर्विसमैन कोटे से JBT शिक्षकों के 16 पद भरे जाएंगे, जिसमें कि बैच 22 भरे जा रहे। इन पदों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 30 जनवरी को काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। RNP नियमों के तहत भरे जाने वाले उपरोक्त पदों में एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के 10 पद भरे जाएंगे। इस तरह 3 SC श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर पद भरा जाएगा। तो 30 जनवरी तक वहाँ पर आप आवेदन करने के लिए पहुँच सकते हैं। काउंसलिंग में सिर्फ वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं जो सैनिक वेलफेयर एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय सेल में रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ ना जाएं, अपना समय पर बात ना करें। इसके अलावा अभ्यर्थी JBT होने के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता परीक्षा TAT में भी पास होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर एक और रिक्रूटमेंट की, तो जिला में भाषा अध्यापकों के जल्द भरे जाएंगे 33 पद। जी हाँ, ये हमीरपुर की न्यूज है। 22 जनवरी की प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के तहत भाषा अध्यापकों के 33 पद भरे जाएंगे। इन पदों में से 13 पद बैच वाइज आधार पर होंगे, 13 पद कमीशन के थ्रू भरे जाएंगे और 4 भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से, 2 स्पोर्ट्स कोटे से और 1 दिव्यांग कोटे से भर्ती होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। वहीं कमीशन आधार पर चयनित ड्रॉइंग अध्यापकों को भी जल्दी तैनाती जिला के स्कूलों में दी जाएगी। तो ये रही आज की रोजगार समाचार से रिलेटेड अपडेट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट कीजिए। आपको अगर लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करके किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।